1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक में बहुत बड़े बदलाव। 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक पुरानी सभी चेकबुकों को बंद कर अब नई चेकबुक इशू कराएगा। इसके साथ ही 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड और स्विफ्ट कोड भी बदल जाएगा। केनरा बैंक ने शुक्रवार को कहा कि पुराने सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाओं का IFSC कोड 1 जुलाई 2021 से बदल जाएगा। इस बदलाव के बाद सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को NEFT, RTGS, IMPS के जरिए फंड स्वीकार करने के लिए केनरा बैंक का नया IFSC कोड इस्तेमाल करना होगा। ऐसे जाने अपनी बैंक शाखा का नया कोड। केनरा बैंक ने कहा कि ग्राहक URL canarabank.com IFSC.html के जरिए नया IFSC कोड जान सकते हैं। केनरा बैंक की वेबसाइट के जरिए भी ग्राहक अपनी बैंक शाखा का नया IFSC कोड जान सकते हैं। ग्राहक अपनी बैंक शाखा में जाकर भी IFSC कोड की जानकारी ले सकते हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को मिलेगी नई चेकबुक। केनरा बैंक का कहना है कि पुराने सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नई चेकबुक मिलेगी। इस चेकबुक पर नया IFSC कोड एवं नया MICR कोड होगा। केनरा बैंक का कहना है कि सिंडिकेट बैंक का स्विफ्ट कोड भी 1 जुलाई 2021 से बदल जाएगा। इसके बाद सभी ग्राहक फॉरेन एक्सचेंज के लिए नया स्विफ्ट कोड CNRBI NBBFD इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 को हुआ है सिंडिकेट केनरा बैंक का विलय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय करने की घोषणा की थी। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। इस विलय के बाद केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। 4032 शाखाओं का हुआ केनरा बैंक में विलय। विलय के समय केनरा बैंक का कुल बिजनेस 10.43 लाख करोड़ रुपये और सिंडिकेट बैंक का कुल बिजनेस 4.77 लाख करोड़ रुपये था, जबकि कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 98,350 और 31,535 थी। विलय के समय सिंडिकेट बैंक की पूरे देश में 4032 शाखाएं थीं जिनका केनरा बैंक में विलय हुआ है। इन बैंकों का भी हो चुका है विलय। इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ।